हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। आज का टॉपिक है, हम बात शुरू कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का, यानी हमें डिजाइन करनी है इंस्ट्रक्शन फॉर लर्निंग। इसलिए लर्निंग को समझना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है। तो इसके लिए हमने पहले प्री प्लानिंग में वीडियो बनाई लर्निंग थ्योरीज के ऊपर, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर इसको आप बेहतर समझना चाहते हो तो प्लीज़ चेकआउट फर्स्ट इन दीज लर्निंग थ्योरी, हाउ लर्निंग टेक प्लेस एंड हाउ टू बी लर्न। जब हम इस पर एक लेवल की समझ बना लेंगे तभी हम इस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की ओर बढ़ पाएंगे। ये लेवल हो गया, एक प्रीरिक्विजिट इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब तो कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को बात करने, समझने और डिजाइन करने के लिए प्रायर रिक्विजिट है कि आप लर्निंग और लर्निंग थ्योरी से बेहतर परिचित हो, क्योंकि उसी तरह की जो आपका यहाँ परस्पेक्टिव बिल्ड हुआ है लर्निंग थ्योरीज को लेकर, वैसे ही आप इंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हो। तो पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लर्निंग्स को समझना, लर्निंग को जानना होगा, अच्छे से समझना होगा। उसके लिए मेरे चैनल पे भी आपको वीडियो कंटेंट मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो जब हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में बात शुरू करते हैं, तो अभी तक जब हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे थे तो ये आज अचानक से ये नई टर्मोलॉजी में क्यों बात हो गई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन? तो फर्क है क्या कुछ टीचिंग में और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में? तो पहला सवाल यहीं से स्वाभाविक का सवाल निकल के आता सब सबके मन में कि टीचिंग तो हो ही रही थी, ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में कैसे डिफरेंस है, क्या अलग है? तो जनरली लोग आपस में इनको इंटरचेंज करते हैं, एक जगह समझते हैं, पर इसको डिफाइन किया गया है, बताया गया है, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको कुछ कंट्री के बारे में जानना है, तो जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंड रहता है, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, उनसे जानोगे, तो आपको कुछ नॉलेज मिल जाए। वन वे ऑफ लर्निंग कि आपको किसी ने टीच कर दिया, बता दिया उसके बारे में कि कंट्रीज के बारे में जो आपको क्वेश्चन डाउट है दूर कर दिए। अनदर वे ऑफ, आप कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हो, आप एक पर्टिकुलर वीडियो आपको भेजी जाती है, उस वीडियो में उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप फूड्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, टारगेटेड ऑडियंस के लिए जो आप जानना चाह रहे थे वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बीच बीच में आपके वो चेक किया जाता है, CFU चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट होता है आपका, क्या आप जान पा रहे हो, जान पा रहे हो, आप रिफ्लेक्ट कर पाते हो, और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। तो आप देखेंगे कि जो एक दोस्त से बात करके हम कुछ जान रहे थे, और एक हम पर्टिकुलर किसी ने डिजाइन किया हुआ था कंट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, नेक्स्ट आप इवेलुएट हो रहा है आपको, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन इवेलुएशन के बाद नहीं आ रही, दूसरी वीडियो दी जा रही है कि आप उसको ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो है प्री प्लान्ड है, यानी अगर हम प्री प्लानिंग गोल जो हमारा है उसको अचीव करने के लिए कुछ हम लर्निंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, यही है इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करना लर्निंग के लिए। टीचिंग में हो भी सकती है वह, और ये ऐसे भी बिना उसके भी हो सकते हैं, पर वहाँ पे बेहतर होता है कि आजकल जैसे हमें एक सर्टेन गोल को अचीव करना है तो उसको बेहतर प्लान किया जाए, और जब प्लान कर रहे होंगे तो उसके लिए जो लर्निंग है, स्टूडेंट टास्क है, क्या उन्हें देखना है, क्या उन्हें एक्टिविटी करनी है, वो सब डिजाइन होंगी, तो वह एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का पार्ट बनने चली जाएंगी। तो होप यहाँ से कुछ शुरुआत हुई होगी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होने की। तो हम बातचीत कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने अनफोल्ड कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे जेनेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये टर्म आया कहाँ से, इस टर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को लेकर अभी कॉइन है एजुकेशन फील्ड में, उन अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे, उनके डिफरेंट प्रोस और कॉन्स को जानेंगे, और एक एग्जाम्पल्स के साथ में जो आप रिलेट कर सकें रियल लाइफ के, हम इस डिजाइन पर बात को आगे बढ़ा रहे हो। तो अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेनेसिस of instruction design।